हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव करण सिंह रानोलिया ने मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। रानोलिया ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कुम्हार समाज के हजारों लोगों के साथ चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुम्हार समुदाय के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करवाने के लिए दिन रात काम करेंगे। वे समाज के लोगों के साथ मिलकर उनका पूर्णतया विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मिट्टी कला बोर्ड के बजट में किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। जो माटी कला बोर्ड के चेयरमैनशिप का पद संभाला है और माटी कला बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी संभावना है कि उस समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी कला को निखारने के लिए काफ़ी इसके अंदर स्कीम्स जो है हम लोग चालू करने जा रहे हैं कि जिससे लोग दक्ष हो सकें और अपनी कला को बड़े प्लेटफॉर्म पर, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो, चाहे इंटरनेशनली हो, उनकी कला को प्रदर्शित करने का काम करेंगे, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और उनके जो कला के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनके उचित मूल्य, एक अच्छा मूल्य उन तक पहुँच सके। आज मिट्टी कला बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन का पद मैंने माननीय विपुल गोयल जी की अध्यक्षता में ग्रहण किया है। पूर्व से पूर्व हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के उनके आवास पर जा करके हजारों की संख्या में हम गए थे व उनका भी धन्यवाद किया और माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी का भी हमने धन्यवाद किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप इस प्रदेश के अंदर जो मिट्टी कला बोर्ड है, जिस प्रकार से आज गुजरात में वो एक नंबर पर है, उससे वहाँ हमने सीख करके इस प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे काम इस मिट्टी कला बोर्ड के माध्यम से करने हैं कि इस प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग इस बोर्ड का फ़ायदा उठा करके और जो मिट्टी की कला है उसको निखारने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। और माननीय विपुल गोयल जी ने भी आज कहा है कि इस बोर्ड को किसी प्रकार की कमी, चाहे वो वित्त की है या दूसरे संसाधनों की है, वो किसी प्रकार की नहीं आने देंगे। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सुभाष बराड़ा जी का, कैप्टन अभिमन्यु जी का, विपुल गोयल जी का, डॉक्टर बनवारी लाल जी का, आदरणीय सुरेश भट्ट जी का और हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो दायित्व सौंपा है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और समाज की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं इससे संबंधित उन सब का निवारण। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।